अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट सक्सेस में। तो आज है तारीख 14 अक्टूबर 2017, दिन है सैटरडे। तो आज की द हिंदू डिस्कशन शुरू करते हैं। द फर्स्ट न्यूज़ आइटम इज़ सुप्रीम कोर्ट आस्क्स सेंटर टू स्ट्राइक अ बैलेंस ऑन रोहिंग्या इशू। जिस तरीके से रोहिंग्या इशू हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुका है पिछले एक महीने से, रोहिंग्या इशू अभी तक चला आ रहा है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना स्टैंड लेते हुए कहती है, सेंटर को कहती है, क्योंकि सेंटर ने अभी तक जिस तरीके से हमारे होम मिनिस्टर द्वारा और हमारी सेंटर के द्वारा ये बयान दिया गया था, दे वर कॉल्ड एज द इलीगल माइग्रेंट्स टू इंडिया रोहिंग्यास। क्यों? सेंटर का कहना है कि इट इज़ द सिक्योरिटी कंसर्न्स टू द इंडिया, दे वर अबाउट टू डिपोर्ट देम टू देयर ओन कंट्री। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड बोलता है, यहाँ पर ऑन द ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न एज वेल एज ऑन द नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, दोनों चीज़ को कंसिडर करते हुए अभी उनको डिपोर्ट ना करें, जो जहाँ है वो वहाँ के तहीं रहे। साथ ही साथ उनको बोला गया है, इस पर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रेमिफिकेशन इसमें चीज़ें देखी जाएंगी। साथ ही साथ जो अभी स्टेटस है रोहिंग्या का, जो स्टेटस है वो वहाँ के वहीं रहें। स्टेटस को लिखा ना यहाँ पर, स्टेटस को मतलब जो जैसी कंडीशन अभी है वैसी रहने दीजिए, इसके बाद हम फर्दर प्रोसेस आगे देखेंगे। गवर्नमेंट अपने हिसाब से अभी अगर कुछ सोल्यूशन निकाल सकती है इनका डिपोर्ट ना करने का तो देखिए, वरना हमको फाइनली वर्डिक्ट देना होगा कब, 21 नवंबर को। काफ़ी कुछ डिस्कस हो चुका है, काफ़ी आर्टिकल आ चुके हैं अभी तक। आपको रोहिंग्या इशू के बारे में पता चल जाना चाहिए। 15 सेकंड में मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। ओरिजिनली जो रोहिंग्यास कम्युनिटी है, कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, वो म्यांमार के प्रोविंस से बिलोंग करती है। कौन सा प्रोविंस है? रखायन प्रोविंस है, ठीक है। इनके जो सिटीजन्स हैं दे आर जनरली, दो रखायन प्रोविंस में जो रोहिंग्यास रहते हैं दे आर जनरली द मुस्लिम मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है। सो जो यहाँ म्यांमार की जो गवर्नमेंट है वो उन मैन जो रखायन रखायन प्रोविंस में जो भी रोहिंग्यास रहते हैं उनको वो अपने सिटीजन्स नहीं मानते हैं। सो दे वॉन्ट टू डिपोर्ट देम टू डिफरेंट कंट्रीज़, और उनको उनको यहाँ से भगाना चाहती है। दे डोंट गिव देम एनी सिविल राइट्स नीदर फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो रोहिंग्याज हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अभी तक ये माइग्रेट कर चुके हैं, रेफ्यूजीज एज अ रेफ्यूजी रहते हैं, क्योंकि इनके काफ़ी अत्याचार होता है यहाँ पे इस इनकी टेरिटरी के अंदर। तो यहाँ पर बांग्लादेश में भी काफ़ी इन्होंने शरण ले रखी है, हमारे इंडिया में भी शरण ले रखी है। तो फिर यहाँ पर अभी प्रोब लगाए जाते हैं कि दे कैन बी सिक्योरिटी थ्रेट टू अवर कंट्री एज वेल एज, कुछ कुछ लोग तो मासूम हैं लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक आई एस से भी लिंक पाए गए हैं कुछ कुछ जो रोहिंग्यास कम्युनिटी है, क्योंकि बोला जाता है अभी इनके इनका माइंड वॉश करके, ब्रेन वॉश करके दे कैन पोज थ्रेट टू द इंडिया। और इमीडिएट एक्शन कब हुआ अभी रिसेंटली में, जब रोहिंग्यास कम्युनिटी ने इनके आर्मी पे प्रोटेस्ट किया, उनके जो बैरिकेड थे उनके जो एलओसी पे उन्होंने अटैक किया, तो उसके प्रोटेस्ट में बदलाव में जो म्यांमार की आर्मी थी उन्होंने उनके ऊपर, जो बहुत सारे निर्दोष लोग थे और काफ़ी लोग रोहिंग्यास की कम्युनिटी, उन पर काफ़ी अत्याचार हुआ और काफ़ी लोग मारे गए इसमें। तो उसके क्राइसिस उसके कारण क्या हुआ, और क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ गए और ये मसला और ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है, जो मैंने कल भी डिस्कस की थी आज यहाँ पे फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, सबरीमाला एंट्री रोज गोज टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। यहाँ पर केरला का एक टेम्पल है जिसका नाम है सबरीमाला टेम्पल। तो यहाँ पर एक एट अ पर्टिकुलर एज ग्रुप, जिसका जिसकी एज ग्रुप है 10 to 50 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ पर वुमेन को दे आर बार्ड, मतलब उन पर बैन लगाया जाता है, वहाँ पर अंदर नहीं आने दिया जाता है, कहाँ, मंदिर के अंदर। क्यों? क्योंकि दे आर एट मेंस्ट्रुअल स्टेज। सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन करती है, किनको क्वेश्चन करती है, स्टैचुटरी बॉडी को जो यहाँ की देखभाल करती है, जो हु आज द इंचार्ज, हु आर द इंचार्ज ऑफ दिस टेम्पल, द ट्रेवन कोर्ट देवस्वाम बोर्ड एंड विच आर ऑल्सो फाइनेंस बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। वो पूछती है क्या इनका कोई अधिकार नहीं है, वुमेन का कोई अधिकार नहीं है? डोंट दे हैव एनी चॉइस? दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द सोलरी बेस्ड ऑन अ बायोलॉजिकल फैक्टर एक्सक्लूसिवली ऑन द फीमेल जेंडर, क्योंकि इट इज़ राइट अगेंस्ट द इक्वालिटी ऑफ वुमेन। साथ ही साथ ये बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी, डिसाइड करेगी वेदर द रूल बी ऑफ द केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑथराइजेशन ऑफ एंट्री रूल्स में, जो कि 1965 के रूल्स हैं, उनमें क्या बदलाव करने हैं क्या नहीं करने हैं, वो सब चीज़ें स्क्रूटनाइज होगी और इसका फाइनल वर्डिक्ट सुनाया जाएगा। यहाँ पर जो टेम्पल अथॉरिटीज़ हैं वो बोलती हैं ये जो रूल है पहले से ही चला आ रहा है और ये हमारा ट्रेडिशन रहा है। तो यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी चैलेंज की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट सुनाएगी। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और न्यूज़ बताऊंगा, जो नेपाल में रिसेंटली रिसेंटली कुछ दिनों पहले, 2 मंथ्स पहले,
वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था किस चीज़ को, कौन सी हिंदू प्रैक्टिस को, चौपदी। एक चौपदी नाम की एक प्रैक्टिस होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो भी फीमेल्स होती थी मतलब पोस्ट नेटल पीरियड मतलब जब उसने डिलीवरी कर चुकी है और उसका बेबी हो चुका है, उसके बाद जो फीमेल होती थी घर में रहने वाली, जो जो भी उसके सास ससुराल वाले होते थे, उनको फीमेल को बोलती थी, मदर को बोलती थी, दे विल बी आउट ऑफ द होम कुछ टाइम पीरियड के लिए, 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए उसको बाहर रहना पड़ेगा, या फिर वनवास टाइप का समझ लो, ठीक है, मतलब उसको घर घर से बाहर रहना, क्योंकि बिकॉज शी इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डर्टी वन, और जिसके कारण से काफ़ी औरतों की, काफ़ी वुमेन की जान चली जाती थी, और सांप लोग सांप काट देते थे, और काफ़ी पॉइजनस चीज़ें और ऐसी चीज़ें कराई जाती थी जो कि इट इज़ अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ ह्यूमन बींग। तो सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल में चौपड़ी प्रैक्टिस पे बैन लगा दिया था, वो भी अगेन राइट अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ द वुमेन के खिलाफ था, वहाँ पर भी मेंस्ट्रुअल फेस को देखते हुए वहाँ पर ये चीज़ें होती थी, प्रैक्टिस की जाती थी। सेम टू सेम ऑन द सेम लाइन यहाँ पर सबरीमाला टेम्पल पे भी यहाँ पर सेम प्रैक्टिस की बात की जा रही है, यहाँ पर 10 to 50 ईयर एज ऑफ ग्रुप की वुमेन को जो मेंस्ट्रुअल फेस में होती है उनको यहाँ पर एंट्री नहीं दी जा रही थी, इसलिए यहाँ पर भी कार्रवाई होगी और सुनवाई की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम में रिलेटेड टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रिलेटेड है, यहाँ पर जो गोरखालैंड की मांग के तहत यहाँ पर माउंटेन ट्रेन चलती थी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़ पे, टॉय ट्रेन जो चलती थी वो बंद हो चुकी थी, वो अब न्यूज़ ये है कि वो कंटिन्यू हो चुकी है आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है। आपको यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट याद रखनी कि हमारी जो इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं कौन कौन सी हैं, बस ऊपर ऊपर से नाम होना पता होना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी भी ऑप्शन में आ जाता तो फिर आपको पता होना चाहिए ये हेरिटेज साइट है कि नहीं है। अगर फ्रॉम द लिस्ट देखे जाए तो हमारे इंडिया में जो हेरिटेज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं टोटल 36 हैं, 28 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स्ड हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है, अभी जो रिसेंटली ऐड हुई थी ये है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। तो आप ये ऊपर ऊपर से देख सकते हो कौन कौन सी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, आप ही चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, तो ये है वो न्यूज़ करेक्शन, अभी ये नॉट येट ऑन ट्रैक, अभी तक ट्रैक में नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुए थे उसके कारण से काफ़ी स्टेशन और ट्रैक डैमेज हो चुके थे, 100 डे की जो गोरखालैंड की स्ट्राइक हुई थी। दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है ब्लू व्हेल गेम से रिलेटेड, जिनको अभी तक ब्लू व्हेल गेम के बारे में नहीं पता है वो सब जान लो। तो यहाँ पर एक्सपर्ट पैनल की बैठक होने वाली बिठाई जाएगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए ताकि ऐसे केसेस सामने ना आए, और साथ ही साथ ये पैनल सजेस्ट करेगी कौन से वे हैं कंट्रोल इनको, ब्लू व्हेल को कंट्रोल करने के लिए, जो कि किस टाइप का गेम है, सुसाइडल टाइप का गेम है। तो फिर मैं ब्लू व्हेल के गेम के बारे में बताता हूँ। ब्लू व्हेल गेम एक रशियन हैकर के द्वारा बनाया गया था, एक रशियन प्रोफेशनल के द्वारा बनाया गया था, जिसमें अलग अलग स्टेजेस दी जाती हैं, और उन स्टेजेस में से अलग अलग बहुत ज़्यादा डरावने से और बहुत ज़्यादा रिस्की गेम्स स्टेजेस दी जाती हैं, जिसमें छत से कूदना, अपने हाथों पे व्हेल बनाना, और उसमें आखिरी जो स्टेज होती है वो होती है सुसाइड करने वाली। तो ऐसे बच्चे जो हमेशा डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जो हमेशा अलोन फील करते हैं, और हमारे देश में ऐसी संख्या बहुत ज़्यादा है, हमेशा फ़ोन में लगे रहते हैं, तो ऐसी चीज़ों को तो वो लोग लाइक करते हैं, वो लोग ऐसे ऐसी चीज़ों को अप्रोच करते हैं, तो काफ़ी इसको जांचने की ज़रूरत है। तो उसके लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे देश में काफ़ी केसेस देखने को आए हैं सामने। अमंग द टॉप 10 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड ब्लू व्हेल चैलेंजेस सर्चेस, 7 अलोन इन इंडिया, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही आएगा यूपीएससी में, ब्लू व्हेल इज़ अ विच टाइप ऑफ गेम, तो इट इज़ अ सुसाइडल टाइप ऑफ गेम। और आपसे भी आग्रह है, अगर आपके नियर बाय कोई बच्चा इस तरीके का कोई चीज़ सर्च करता है, या फिर अगर कोई चीज़ ऐसी चीज़ करता है तो उसको भी मना करिए। हालांकि गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, काफ़ी प्रोविजन लगा चुके हैं, गूगल सर्च इंजन, फेसबुक, सोशल नेटवर्क से सब कुछ रिमूव हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर कोई चांस बनता है तो आप प्लीज़ उनको रोकिए। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है हिस्टोरियन सतीश चंद्रा जी के बारे में, ही हैज़ पास्ड अवे राइट मीन्स येस्टरडे एट द एज ऑफ 95। जो आप मेडिवल हिस्ट्री की बुक पढ़ते हो एनसीईआरटी की, वो इन्हीं की बुक थी। तो यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे नाम दे देंगे, हु वॉज सतीश चंद्रा, तो ऑप्शन दे देंगे हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट,
और ऐसा करके दो चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो फिर आप में आपको याद रखना सतीश चंद्रा वॉज द हिस्टोरियन। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम आ रही है बहामास मीटिंग से, तो इंडिया विल बी स्पीकिंग अप एट बहामास मीटिंग। आपको तो पहले पता होना चाहिए बहामास मीटिंग किससे रिलेटेड है। तो बहामास मीटिंग एक कॉमनवेल्थ टाइप की मीटिंग है जिसमें सारे के सारे लॉ मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज़, जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनके लॉ मिनिस्टर मिलेंगे और यहाँ पर इंटरनेशनल कंसर्न की चीज़ें के बारे में बातचीत की जाएगी। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ वो होती हैं जो ब्रिटिशर्स के अंदर रह चुकी थी, जिनका राज ब्रिटिशर्स के ऊपर था। करेक्शन, ब्रिटिशर्स जिनके ऊपर राज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लॉ मिनिस्टर साहब जाएंगे इस मीटिंग में जो कि होने वाली है अक्टूबर में, 16 से लेकर 18 अक्टूबर में। तो यहाँ पर वो काउंटर टेररिज्म के बारे में मुद्दा उठाएंगे, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से रिक्रूट होते हैं टेररिज्म, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था लोन वुल्फ टेररिज्म के बारे में, आजकल जो बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो रहा है उसके बारे में काफ़ी प्रचलन हो रखा है। क्योंकि जनरली क्या होता है टेररिज्म किस तरीके से पनपता है, सपोज़ एग्जांपल मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, कोई टीनेजर है या फिर कोई भी यूथ है वो अपने घर में बैठा हुआ है, फेसबुक चला रहा है, सोशल मीडिया बहुत चलाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है। और वो बिलीव करता है कि इसमें रेडिकल इस्लाम या फिर रेडिकल टेररिज्म में, रेडिकल बिलीफ में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। अब जो ISIS वाले ग्रुप है या फिर कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो अपना फेसबुक पेज बनाएंगे और वो ज़बरदस्ती सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे। अब उन पोस्ट को कौन बंदा, कौन कौन लाइक कर रहा है, वो लोग सब कुछ ये सी कर रहे हैं, सब कुछ फोरकास्ट कर रहे होते हैं, सब कुछ नोट डाउन कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से वो लोग एक किसी टीनेजर को वो फोकस करते हैं और नेक्स्ट बार जब अगेन बार बार सेम सेम पोस्ट करके जो बंदा वो सबसे लाइक कर रहा है उनको वो फिर मैसेज भेजते हैं, उस मैसेज के थ्रू वो लोग रिक्रूट करते हैं, वहाँ से कुछ पेमेंट देंगे, रुपए देंगे, वहाँ से जाकर ये बंदा फिर वो पेमेंट लेके जो भी उसको कमांड दी जाती है, यहाँ पर अटैक करा देना ट्रक से, यहाँ पर एक्सीडेंट करवा देना, वो सब चीज़ें वो बंदा करता है। और इस फॉर्म बिलीव में इस चीज़ इस टाइप के टेररिज्म को क्या कहते हैं, लोन वुल्फ अटैक कहते हैं। और साथ ही साथ ये किस टाइप के टेररिज्म आता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ये रिक्रूट हुआ है टेररिज्म। तो यहाँ पर बात की गई है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा है हमारे लाओ मिस्टर साहब इस पर भी कंट्रोल लाएंगे, ICT कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। यहाँ पर यह भी मानना है, बोला जा रहा है कि जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पिछले महीने फेस ऑफ हुआ था किन किन के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप, आरोप, उस तरीके से यहाँ पर भी क्या पता पाकिस्तान हमारे जो भी हम चीज़ें बोलते हैं उसके अगेंस्ट में ये सब चीज़ें बोलें। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कंट्रोल ऑफ साइबर क्राइम्स में, क्लाइमेट चेंज के बारे में और द प्रैक्टिस ऑन चाइल्ड मैरिज, इन सब के बारे में भी बातचीत की जाएगी। रही बात बहामास की, जहाँ पर मीटिंग होनी है उसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो बहामास अगर वर्ल्ड मैप पे देखें तो ये आइलैंड कंट्रीज़ हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर है ये, ठीक है, USA के जस्ट इस साइड पे, राइट साइड पे, यहाँ पे ये USA है, ये बहामास है, इधर अपर साइड में यहाँ अटलांटिक ओशन आता है और यहाँ नीचे साइड कैरेबियन सी आता है। कुछ और डिटेल्स देखते हैं, तो यहाँ पे फ्लोरिडा है USA के अंदर, यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरेबियन यहाँ हो गया, और ये क्यूबा कंट्री, ठीक है, और यहाँ ये बहामास ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यहाँ पर जमाइका कंट्री है जिस कंट्री से उसैन बोल्ट बिलोंग करते हैं, ये वाली कंट्री है वो छोटी सी, और यहाँ पर हेती है, लेफ्ट साइड में मैक्सिको है जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप दीवार खड़ी करने की बात करते हैं, ये एरिया है वो, ठीक है, जो मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम आ रही है इंडिया टू बिल्ड मोर रोड्स ऑन चाइना बॉर्डर। जिस तरीके से अभी डोकलाम का विवाद हुआ था, काफ़ी स्टैंड अप हुआ, फेस ऑफ हुआ सामने सामने, तो फिर यहाँ पे इंडियन आर्मी का स्ट्रिक्ट एक्शन आया है। ऑफिशियल्स कहते हैं वी विल मेक 4 पासेज इन द सेक्टर विल बी कनेक्टेड बाय 2020 ऑन प्रायोरिटी बेसिस। तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी नोट कर दिया है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है। तो फिर आपको 4 मेन पास याद रखने हैं आपको जिसपे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो कौन कौन से पास हैं, नीति नीति पास, लिपुलेख पास, थंगलाल पास और शांग सैंक शोकला पास। तो कौन कौन से पास हैं वो जरा देख लेते हैं। तो फिर ये शायद से वो ठंगला जो पास था, ठंगलाल, तो ये शायद से यही वाला है, कार्यक्रम पास, करा ठगला पास, क्योंकि ये लोकलाइट्स में नेम्स आते हैं अलग अलग। तो फिर ये मैंने पूरा सर्च किया, कहीं नहीं मिल रहा, गूगल में भी सर्च नहीं मिल रहा, तो शायद से लोकल नाम होगा। तो ठगला पास यहाँ पे स्पेलिंग दूसरी है, शायद से यही वाला है क्योंकि इंडो तिब्बतन बॉर्डर है तो यहाँ पर इस एरिया में आता है ये। तो ठगला पास ये हो गया, एक चांगला पास हो गया, और दूसरा आ गया एक नीति पास आ गया, और एक लिपुलेख पास आ गया, ठीक है। तो 4 पासेज है, 1, 2, 3 और ठगला पास। तो कौन कौन से स्टेट में ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रख लो आप याद, नीति जो ये पास है, नीति पास और लिपुलेख पास, दोनों के दोनों उत्तराखंड में है,
और ये ठगला पास और छगला पास, चांगला पास जो है वो भी वो जम्मू कश्मीर में है। जो भी पासेज न्यूज़ में आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक ही अब माना पास भी रख याद रख सकते हो आप ये। मैं खुद उत्तराखंड में रहता हूँ और मुझे पता है कि इस साइड अपोजिट साइड ऑफ चाइना यहाँ पे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना की तरफ से डेवलपमेंट हो चुका है, और हमारे उत्तराखंड की साइड में बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आप कह सकते हो 10% भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, हो चुका है अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। इन पासिस में आज बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। काफ़ी शेलिंग्स और काफ़ी अटैम्प्ट किए जाते हैं चाइना के द्वारा हमारे पर अटैक करने के। इसके अलावा आप और जो पासेज हैं इसके अलावा वो भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम के लिए हमेशा पूछा जाता है। कभी शायद से रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में आया था, CAPF के एग्ज़ाम में आया था, अभी वाला क्वेश्चन था बुमला पास के बारे में आया था, जो कि अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। किसके कारण से? तवांग रीजन की जो मोनेस्ट्री थी वो इसी रीजन में पाई जाती थी। तो यहाँ बुमला पास इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द स्टेट? तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश आंसर है उसमें। उसी तरीके से नथुला पास किस में है? सिक्किम टेरिटरी में आता है। तो आप ये बोमडिला पास भी याद रखना, ये भी अरुणाचल प्रदेश में आता है। दिहांग पास इसी में यहीं आता है। बस जो न्यूज़ में होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक यहाँ पे बोमडिला पास भी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वाले स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के लिए हमारे रीजन है। जिस तरीके से मैं पिछले एक हफ्ते से डिस्कस कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप की जो ईरान न्यूक्लियर डील जो सर्टिफाई रीसर्टिफाई करने वाले हैं, जो 90 डेज़ के अंदर सर्टिफाई करनी पड़ती है ईरान की डील, तो यहाँ पर कल है 15 तारीख डेट। अब देखते हैं कल किस तरीके से आता है रिजल्ट। यहाँ पर तो अभी तक न्यूज़ में आ रहा है कि ही विल नॉट सर्टिफाई द ईरान न्यूक्लियर डील। अगर ये कल न्यूज़ में आती है फिर हम कल इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम आप पढ़ना जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान ऑफ एक्शन, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है, ये मैं दोबारा डिस्कस करूँगा, और किन किन कंट्रीज़ के बीच में ये सब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था जिनको ईरान न्यूक्लियर डील को रिसर्टिफाई करना होता है। अगर US नहीं सर्टिफाई करता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है 11 इंडियंस गो मिसिंग एज शिप सैंक्स। तो यहाँ पर जो 11 इंडियन क्रू मेम्बर्स थे, यहाँ पर जो शिप डूबा था तो वो यहाँ पर मिस हो रखे हैं। तो हम ये कौन सा एरिया था? ये फिलीपींस का इलाका था। तो यहाँ पर सर्च पार्टी जा रखी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से। तो ये शिप किसकी तरफ डूबा है? पैसिफिक ओशन की तरफ डूबा है, ऑफ द फिलीपींस। तो सारी की सारी कंट्रीज, फिलीपींस होगी, जापान होगी, चाइना होगी, वो अपनी अपनी सर्च पार्टी भेज रही हैं टू सर्च दैम, जो कार्गो शिप डूब चुका है। तो वो जो शिप गायब हुआ है वो किस तरफ गायब हुआ? पैसिफिक ओशन की तरफ, मतलब राइट साइड, इस तरफ। ठीक है, तो हम उसी के अगर चलते थे तो हम कुछ कुछ कंट्रीज़ देख लेते हैं, आसियान की मेंबर्स कंट्री भी देख लेते हैं, साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ भी देख लेते हैं। तो फिलीपींस यहाँ पे है, ठीक है, साथ ही साथ वियतनाम यहाँ पर है, यहाँ पे कंबोडिया हो गया, यहाँ पे थाईलैंड, यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे लाओस, यहाँ पे इंडोनेशिया, यहाँ पे सिंगापुर, मलेशिया, ब्रूनी। यहाँ आपको आपको ये पता होना चाहिए लाओस इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, और साउथ चाइना सी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होता है इन्हीं कंट्रीज़ के साथ होता था, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस इन कंट्री से संभावना तो कम ही है बनने की, लेकिन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मैं एक चीज़ लगा सकता हूँ, आप ये ना अपने माइंड में एनालाइज कर लेना कि नॉर्थ से साउथ कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, कंट्रीज़ मतलब सबसे ऊपर टॉप पे कौन सी आएगी? फिलीपींस आ गया, फिर इसके बाद यहाँ पे ब्रूनी आ जाता है, फिर मलेशिया, फिर यहाँ इंडोनेशिया सबसे नीचे आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था जो इक्वेटर की लाइन होती है, इक्वेटर की लाइन कौन कौन सी कंट्रीज से पास कर रही है, और या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है इक्वेटर के ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं साउथ आसियान कंट्रीज़ में। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये म्यांमार, लाओस वाली कंट्रीज़ आ गई, और इंडोनेशिया वाली कंट्री कुछ हाफ पोर्शन नीचे है इसका। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्रीज से होकर गुजरता है, यहाँ पे म्यांमार भी आ रहा है। ठीक है, या फिर ऑप्शन इस तरीके से आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट पास थ्रू द इक्वेटर लाइन। अगर आप क्लोजली व्यू करोगे फिर से, मैं आप जूम करके देखोगे तो इंडोनेशिया इज़ द ओनली कंट्री डैट इज़ पासिंग थ्रू द इक्वेटर। उसके अबव में कौन कौन सी है? मलेशिया है, और मलेशिया के ऊपर भी कौन सी है? ब्रूनी है। तो आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे होगी? एक तो सिंगापुर कंट्री में और यहाँ पे इंडोनेशिया कंट्री में। ऑप्शन इतने क्लोज क्लोज होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। कहने का मतलब यह है क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम होते हैं। तो फिर मैप देखा करो, हर जगह से, हर एंगल से क्वेश्चन बनाया करो, इक्वेटर की लाइन से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जो भी प्रोमिनेंट लाइन्स पास होती हैं तो उन कंट्रीज से तो देखना ही पड़ता है। और एक बार मैं आपको बता दूं, कभी भी ट्रिक्स काम नहीं आती हैं, ट्रिक्स कभी काम नहीं आती किन चीज़ों में? मैप रीडिंग में आपको मैप देखना ही पड़ेगा, देर इज़ नो ऑप्शन।
तो अब यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। इक्वेटर में, इक्वेटर के साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ पास होती हैं जो टच करती हैं? तो यहाँ पे आप ये नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, मतलब ये सारी कंट्रीज़ हैं। तो आप ऐसा करना, आप पूरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार मैप में लोकेट कर लो, मैप बना के उनमें लोकेट कर लो, ठीक है? जब तक आप लोकेट नहीं करोगे तब तक आपको याद ही नहीं होंगे। आप कितने चाहे मिनोमिक्स बना लो, आप एक ना एक दिन उसको एग्जामिनेशन टाइम में आप कभी ना कभी डाउट हो जाओगे, कभी भूल जाओगे, आप मिक्सअप कर जाओगे। तो ये कौन कौन से? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबॉन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, साउथ टोम एंड प्रिंसिपे, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरीबाती। बहुत सारी कंट्रीज़ आपने नाम भी नहीं सुनी होंगी, बहुत मुझे पता है। तो आप ये भी देख लीजिए कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे लोकेट हो रही हैं ये। तो ऑप्शंस ऐसे डिफ़िकल्ट डाले जाते हैं, साउथ टोमोर, प्रिंसपी और ये किरीबाती, ऐसे करके ऑप्शन आएंगे।